साथ है अपनी अपाची TVS की 2018 मॉडल की। और भाई इसका आज हम जानेंगे ओनरशिप रिव्यू के भाई कैसे है क्या है। भाई बाइक ये है ना बहुत ज़्यादा सेल हुई थी, बहुत टॉप की बाइक थी जब आई थी और अब भी बंदे इसको लेते ही लेते हैं। तो भाई इसके सारी क्वेरी सब कुछ पूछेंगे आप। भाई इसके ओनर को हम इन्वाइट करना चाहेंगे भाई, मिस्टर राहुल भाई अपना दोस्त ही। हेलो भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो भाई बाइक को लेकर आपका अभी तक मैं कुछ लाइनों में बताओ कि कैसी है बाइक, लाइनों में बताओ पॉजिटिव में। हाँ इस बाइक को लेने के पीछे ये रीजन था कि जिस टाइम पे हमने लेने की सोची थी उस टाइम पे ना इसकी डिमांड बहुत हो रही थी बंदों में, तो इसलिए पापा को पसंद आई थी और थोड़ा मैंने भी पापा को आइडिया दिया था कि ये बाइक बहुत बढ़िया है तो ये बाइक लेंगे तो प्रेफर करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगी हमारे लिए। तो भाई कौन सा मॉडल है ये? 2018 का मॉडल है। और कितने की पड़ी थी उस टाइम? यार हमें पड़ी थी 98 की पड़ी थी। 98 आजकल तो भाई। और कितने सीसी का इंजन है ये? है 160 सीसी का। 160 भाई क्या बोलते हैं अब इसका है ना, तुम अपने उसमें बताओ एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या लगे तुम्हें ये बताओ। एडवांटेज तो इसकी ये है, मतलब एडवांटेज बताए ना इसकी, एक तो ये इसका जो पिकअप पकड़ने का पिकअप तो बहुत तगड़ा है। 3 सेकंड में कम से कम ये 60 से 65 का स्पीड पकड़ लेती है। अच्छा ठीक है। उसके बाद आगे बता डिसएडवांटेज अगर इसकी बताऊं तो इसमें चलान एक तो मेन डिसएडवांटेज इसकी ये है, ये जो नीचे से जैसे ये दे रखा होता है ना ये कभी मान लो कहीं ऊपर खाबड़ रोड है ठीक है वहाँ पे इसका ये दिक्कत होता है कि ये लगभग के टूट जाता है, तो एक्चुअली मैंने मेरे से ही टूट गया था ठीक है। तो उसके बाद और ज्यादातर तो डिसएडवांटेज नहीं है बाकी, और वो तो हल्का रहता ही है। और भाई क्या बोलते हैं इसका वो बताओ तुम, इसके स्पेयर पार्ट महंगे है या सस्ते, कैसे है मिल जाते क्या है? इसके स्पेयर पार्ट महंगे तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़े बहुत है, कॉस्टली है। अच्छा और अभी तक तुमसे ठुकी वो किया कभी? नहीं अभी तक ठुकी नहीं है, अभी तो चल रही है मतलब चलने में बढ़िया है। हाँ, चलने में बहुत बढ़िया है। और तुमने 3 बंदे बिठा के चलाए कैसी परफॉर्म करती है? दबती है थोड़ी या बिल्कुल सही चलती? 3 बंदे ऐसा बंदों में ठीक चलती है, ज्यादा इफेक्ट नहीं आता 3 बंदों को बिठाने में, ठीक चलती है बिल्कुल बढ़िया चलती है, बढ़िया चलती है। और भाई इसका क्या बोलते हैं टैंक कितने लीटर का है? इसका टैंक है 9-10 लीटर का है। तुम्हें ये बताओ तुम 160 सीसी का इंजन है भगने में अच्छे ये वो, तो ये तुम्हें माइलेज कितने की दे देती है? ये मैं माइलेज अभी फिलहाल तो 30-35 बोल सकते हैं, उसके बीच में दे सकती देती है 30-35। हाँ। यार ये तो कमी है खैर। हाँ, फिलहाल तो अभी कमी है लेकिन क्या करें। भाई इसकी सर्विस का पता कितने की होती है? सर्विस इसकी बाहर से कराते हो या कंपनी से कराते? तो कंपनी से कराते थे, 3 साल कंपनी से कराए थे लेकिन अभी लास्ट टाइम हमने बाहर से कराई थी। तो कितने की हुई थी सर्विस, कोई आइडिया? इसकी मोटा मोटा मान लो आप वो 1200 रुपये लग गए थे। 1200 रुपये की सर्विस होती है? ज़्यादा नहीं, वैसे सर्विस जैसे मान लो कि बिल्कुल ही बढ़िया। अच्छा और भाई इसका डिस्क का रिस्पॉन्स कैसा है? इसके तो पीछे भी डिस्क लग रहा है ना? हाँ, दोनों तरफ डिस्क है भाई, ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है इसकी। और पहिया तो यार इसका बदलवाया है क्या? पहिया चेंज करवाया था। अच्छा चेंज करवाया है। तो डिस्क का रिस्पॉन्स कैसा है इसका? डिस्क का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है लेकिन जिसके जो ब्रेक शूज होते हैं ना हाँ वो थोड़ा दिक्कत कर जाते हैं बीच में ठीक है। अभी फिलहाल में क्या हुआ था, ब्रेक शूज का आगे पीछे वाला ब्रेक शू है ना ये वाला घिस गया था, तो उसके चक्कर में ब्लेड पे थोड़ा इफेक्ट पड़ गया था जो ब्लेड जो है इसकी, तो चेंज वेंज करवाया था। अच्छा 350-400 रुपये लगे थे। अच्छा ओके चल रही है अभी भी। और भाई हाई तुम इसे टॉप स्पीड कितना लेके जा चुके हो? स्पीड अभी हम इसे 110 लेके जा चुके हैं। 110 सिंगल पे या फिर 3 बंदे है वैसे? सिंगल में भी सिंगल। हाँ। स्टेबल रहती है बाइक या हिलने मिलने? स्टेबल रहती है जैसे होता है ना नॉर्मल, जैसे पैशन प्रो हो गई छोटी मोटी बाइकें होती है जो हल्की बाइकें होती है वो ज्यादा ना टॉप स्पीड में हिलने लगती है लेकिन बट ये ऐसे नहीं करती ठीक है ये। और ब्रेक सही पकड़ लेती है जब भाग रही होती है? बिल्कुल ब्रेक बहुत बढ़िया है। और भाई इसका इंजन की एग्जॉस्ट वो नोट कैसा लगा आपको? एग्जॉस्ट इसका बहुत बढ़िया, मतलब जैसे बोलते हैं ना बहुत प्यारा कहते हैं वैसा है इसका। तो एक बार चालू करके आवाज और सुना दो इसकी। भाई आवाज तो इसकी बढ़िया यार, बहुत स्मूथ है, ज्यादा वैसे नहीं है कि बंदे कानों में छुए। भाई ये हल्की सी किचकिच वाली आवाज आ रही है, इसका क्या कहना चाहोगे? इंजन का है पुरानी हो गई इसलिए पुरानी होगी थोड़ी, मगर कोई दिक्कत नहीं दिया अभी तक तो मैं चल होता है कितनी बाइक धोखा दे देती है। हाँ ऐसा नहीं है इसने ठीक है क्योंकि भाई ये मेंटेन में रहते क्योंकि आपके पापा चलाते ना इसे। हाँ भाई चलाता ना तो भाई इसकी पैसन भी आएगी, उसका तो कर रखा अभी काम सब बेकार कर रखा है चलने का। बाकी ऐसी कुछ अपनी बाइक है भाई, इसका भी एक बार चला के और दिखा देंगे कैसा है कैसा नहीं है ठीक है।
और भाई इसका तुम कह रहे हो तीन बंदे भी बिठाया, अकेले भी चल रहे, तो इसका जो सोकर्स है इनका कैसा रिस्पॉन्स है? सोकर इसका जैसे कि हम मैंने तीन बंदे जो बिठाए हैं उसके बाद ना सोकर इसका ज्यादा वर्क नहीं करता था, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ऊपर खावट में लगता था, मतलब हिलते थे वो तुम्हें, और सिंगल में सही है बिल्कुल। जैसे मान लो कि सोकर है, कोई गड्ढों में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल प्यार से निकल गई गाड़ी, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं था। बट जैसे तीन बंदे हो गए, दो बंदे हो गए ना, तो हल्का सा और क्या बोलते हैं इसका जो आगे के सोकर से इनका कैसा रिस्पॉन्स है? इनका बढ़िया रिस्पॉन्स है अभी भाई। आगे जैसे तुमने कभी हाई स्पीड में कभी तो ऐसा हुआ होगा तुमने एकदम ब्रेक मारे, तुम पहिया फिसला या कुछ डिस्क की वजह से? नहीं अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट ठीक है, मतलब है भाई ये सोकर। और इसके घेर भी क्या बोलते हैं, पहला नीचे बाकी सारे पीछे वही वाले ना, दिखाऊं आपको, तो पहला ये नीचे पड़ेगा, बाकी इसके चार ऊपर पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल करना होगा, तो पहले सबसे पहले फर्स्ट गियर पे जाओ, उसके बाद हल्का सा ऊपर करो। रिस्पॉन्स कैसा, मतलब जैसे हाई स्पीड में तुम्हें एकदम वो गियर बदलने सब बढ़िया लग जाते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक, बढ़िया मामला है भाई। इसका मीटर कुछ ऐसा, मीटर कैसा लगता तुम्हें इसका? मीटर तो बढ़िया है बहुत। अब क्या बोलते हैं, इसका कोई बेचने का इरादा है आपका? नहीं, इसका बेचने का इरादा भी फिलहाल तो नहीं है, बट अभी चल रहा है, सोच रहे हैं अब दूसरी बाइक लेने की सोच रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। तो भाई आजकल की डेट में ऐसे तो बिकी रही है, मगर इसके कंपटीशन भी बहुत है 160 में, जैसे पल्सर हो गई या अपनी टीवीएस की कई सारी बाइकें निकाल रही है इसके कंपटीशन में ही, बजाज निकाल रही है, हीरो निकाल रही है, और इसके वो भी तो एक RX करके हैगी, वो हॉर्नेट करके भी है, वो भी बाइक है। तो आप तुम इस बाइक को अभी भी प्रेफर करना चाहोगे या फिर आप तुम बोलोगे कि भाई कंपटीशन जो है उनमें देखो? नहीं, एक्चुअल में मैंने जी इसको यूज़ करा है, मैंने 4 साल यूज़ करा है, मेरे पापा ने, मैंने भी, ठीक है। लेकिन बट जैसे मान लो इससे कोई दूसरी बाइक मिलती है, मतलब सेम मान लो, लेकिन फिर भी मैं ना अपाचे को लेना प्रेफर करूँगा, क्यों, क्योंकि ये बाइक चलाई है, एक्सपीरियंस इसका है हमें, और साथ में अच्छी है, मतलब तो अभी प्रेफर तुम कर दोगे बंदों को? कर दूंगा, बल्कि अभी तो ये हमारा BS4 मॉडल है, बट अब जो आ रहे हैं ना BS6 वो और अच्छे एडवांस और अच्छा लुकिंग और अट्रैक्टिव भी है दोनों। अच्छा, और इसके हॉर्न सुना दो एक बार, हॉर्न मस्त है? हॉर्न बाहर से लगवाया है क्या? नहीं, बाहर से नहीं, कंपनी वाला है भाई, तो बड़ा तेज हैगा। और इसकी लाइट वाइट का रिस्पांस कैसा रात को? रिस्पांस बहुत बढ़िया, लेकिन बीच बीच में जो इसकी हेडलाइट है ना, उसने एक दो बार धोखा दिया है। अच्छा, बंद हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक का काम मतलब ठीक है। बाकी तो भाई अपनी ऐसी कुछ बाइक है 160 cc की, और भाई ये अपने ओनर का पूरा ऑनेस्ट रिव्यू था जैसी भी लगी। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो ना कमेंट में बता देना, मैं भाई से खुद पूछ के तुम्हारे कमेंट में जवाब दे दूंगा कि जो भी भाई इसमें कैसा है कैसा नहीं। और हाँ भाई, इसके DRL आते पूरे दिन में जले रहते, अच्छे तो लगते हैं, है ना, जले रहते, ऑलवेज ऑन वाले हैं। बाकी ऐसी कुछ अपनी बाइक है, और चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू।